याद रखिएगा, जब भी रॉकेट जो है जब इस पृथ्वी की कक्षा को छोड़ता है तो बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी एनर्जी को वो जलाता है तब वो ऊपर जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे रॉकेट तबाह भी हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप अपनी जद से ऊपर उठते हैं, याद रखिएगा, जब आप ठान लेते हैं कि जो भी मुझे मिला है वो काफ़ी नहीं है, याद रखिएगा, अभी तक आपको बहुत सारे निकम्मे लोग और बहुत सारे स्वार्थी लोग और अनपढ़ लोग, जाहिल लोग आपको बताते होंगे कि जो मिला है उसी में संतोष रखो, होता है ऐसा, और ऐसा हर जगह होता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि जो मिला है उसमें कभी भी संतोष मत रखो, क्योंकि जो मिला है अगर संतोष रखो तो दुनिया यही ख़त्म हो जाएगी। आप सोचो कि अगर ऐसा ही होता कि जो मिला है उसी में संतोष करना है तो भगवान पेट का क्यों निर्माण करता? अगर पेट ना होता तो सभी लोग घर पे सोए रहते। तो खुद सोचो, जब उस परम पिता ने पेट दिया है, इसको पालने का काम दिया है, अपनी सोसाइटी बनाने का काम हम लोगों ने लिया है, अपने बच्चे को पैदा करने का हमने काम लिया है, इस मानव रेस को आगे बढ़ाने का काम अगर हमने लिया है तो हमें अपनी जद से आगे उठना होगा और जो मिला है उसमें संतोष बिल्कुल नहीं करना होगा, बल्कि जो हमें नहीं मिला है उसके प्रति हमें आकर्षित रहना होगा। और यही मानव जीवन का लक्ष्य है, याद रखिएगा। जिस दिन आपके मन में आ गया कि जो मिला मुझे उसी में संतोष करना है, उस दिन सही मायनों में आपकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई इस टॉपिक पे, लेकिन अंत में वो सारे लोग इस मानने को कबूल कर गए हैं कि सही मायनों में अगर ज़िंदगी को जीना है तो हमें जो मिला है उससे बढ़ के सोचना होगा। हमें इस समाज ने हमें जो दिया है, अपने माता पिता ने जो हमें दिया है, अगर माता पिता ने हमें अगर लखपति पैदा किया है तो हमें करोड़पति मरना होगा, अगर माता पिता ने हमें करोड़पति पैदा किया है तो हमें अरबपति बनना होगा। और इस तरह की सोच अगर आप रखोगे तो देखो कितनी अच्छी स्टोरी बन के आएगी आपकी। और जब आपकी स्टोरी कम्प्लीट होती है, जब आप अपने टारगेट को अचीव करते हो, जब अपनी स्टोरी को आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, जब आप अपने जीवन निर्वाह में जब उस सफ़र के उस मंजिल तक पहुंचते हो, तो वो सफ़र आपका इतना खूबसूरत होता है कि आप सुनने वाला भी मस्त हो जाता है, सुनाने वाला भी मस्त हो जाता है, कहानी कहने वाला भी मस्त हो जाता है, वो राही जो होता है वो भी मस्त हो जाता है, और जितने लोग उससे आसपास प्रभावित होते हैं वो भी मस्त हो जाता है कि क्या शख्सियत थी।